नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और मैं हूं आपके साथ काजो नारायण। कानपुर का बिकरू कांड आपको याद ही होगा। 2020 का वो सबसे बड़ा आपराधिक कांड था जहां पर कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के साथियों ने मिलकर करीब 8 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। कई दिनों तक मुंह छिपा कर वो आरोपी घूमता रहा और आखिरकार UPSTF ने उसे धर दबोचा और एनकाउंटर में वो मारा गया। भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस से झड़प भी की और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश भी की। इस दौरान उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही कई साथियों को पकड़ा गया है और अब तक सारे साथी पकड़े गए हैं। कईयों पर मुकदमे दर्ज हैं, कई जेल में हैं। तो एक और कांड ऐसा ही सामने आया कासगंज के नगला धीमर गांव से, जहां पर शराब माफियों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद माफियाओं ने क्या किया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। माफियाओं ने एक सिपाही को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना पीटा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दारोगा पर भाले से हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल कुख्यात बदमाश जो मुख्य आरोपी था उसके भाई को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, लेकिन जो आरोपी हैं अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, दबिश दी जा रही है। वहीं एडजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। वहीं परिवार का भी ये कहना है, जिस परिवार ने अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे को खो दिया, उनका यह कहना है कि पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, पुलिस की तारीफ यहाँ की गई। लेकिन सवाल काविंद्र यहाँ ये है कि परिवार तो पुलिस की तारीफ कर रहा है कि एक आरोपी को ढेर कर दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उसके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें ये देखा गया है कि उससे पहले भी वो कई बार उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई, हिस्ट्री शीटर था, उसके बाद भी आप कहाँ थे, आपने कैसी कार्रवाई की कि उसने इतने बड़े पैमाने पर नदी किनारे शराबों का भंडार लगा रखा था। जी बिल्कुल, देखिए गांव के बीच ये जिस तरीके से इनको माफिया नाम देते हैं, शराब माफिया, रेत माफिया, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है, ये गांव में जो आतंकवाद के रूप में घूम रहे हैं ये सरेआम पुलिस वालों को मार देते हैं और ये डरते बिल्कुल भी नहीं है। बिकरू कांड रिपीट हुआ है, पार्ट टू की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत गौर करने वाली है कि कांड रिपीट क्यों हो जाते हैं ऐसे, जब छोटी टुकड़ियां, काजोल, जब छोटी टुकड़ियां जब कहीं नोटिस चस्पा करने जाती हैं या फिर रेड मारने जाती है, उनके लिए कितना खौफनाक हो चुका है, उनके लिए कितना डरावना हो चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि पूरा काफिला लेकर जाना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि कब क्या घटना हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन जो सवाल बार बार निकल कर सामने आ रहे हैं वो सवाल भी वाजिब हैं। जिस तरीके से काजोल ने आपको पूरी खबर बताई कि खबर क्या थी, लेकिन खबर का विश्लेषण जब हम करते हैं तो ये बड़ा डरावना सा एक सिनेरियो हमें नजर आता है कि जिस तरीके से जो गांव के बीचों बीच जो जिस तरीके से पूरा एक माफिया संगठित होता जा रहा है, एक आतंकवाद ने जहां जन्म ले लिया है वहां पर पुलिस जाती है। पुलिस की देखिए आप गांव के आसपास जब आप सीमाओं पर देखते हैं तो चौकियां होती हैं, चौकियों पर टुकड़ी बहुत छोटी होती है, वहां पर एक दरोगा होगा तो चार सिपाही होंगे, इन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि ये जाएं वहां पर रेड करें, किसी को गिरफ्तार करें, नोटिस चस्पा करें। लेकिन ऐसी घटनाएं होने लगेंगी तो चौकियों का क्या काम, ऐसी घटनाएं होती लगेंगी तो थानों का क्या, तो फिर तो हर गांव के आसपास आपको जरूरत है कि आप कोतवाली स्थापित करें, वहां पर एक बहुत बड़ा पुलिस का कुनवा स्थापित करें, क्योंकि जो माफिया है इनके अंदर से डर निकल चुका है। देखिए होता क्या है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से हम देखेंगे, संख्या बल के हिसाब से देखेंगे, तो उतनी पुलिस स्थापित कर पाना बहुत मुश्किल है, एक डर जो है वही काबिज रहता है एक इंसान अगर साथ में। और ऐसे में देखिए आम जनता के लिए डर है क्योंकि जब पुलिस कर्मी सेफ नहीं है तो आम जनता अपने आपको सेफ कैसे महसूस कर सकती है। प्रशासन हर बार ये कहता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लगातार देखा, हमने देखा है और हम भी खबरें चलाते हैं कि यहाँ मुठभेड़ हुई, वहां मुठभेड़ हुई, इतने अपराधी जो हैं वो ढेर हुए हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि छोटी छोटी जगहों पर, कस्बों में, गांव में अभी भी ऐसे माफिया जो हैं जो खुले तौर पर दरिंदगी करते हैं, अपनी खौफ जमाते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो पुलिसकर्मी जो शायद अभी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, नहीं बिल्कुल सही बात है, बहुत जवान, घर में एक बीवी, बिल्कुल, अब आप देखिए, बिल्कुल देखिए घर तक आप पहुंच गए तो घर की तस्वीर जैसा कि काजोल ने भी आपको बताई, ये बहुत दरअसल बहुत दिलचस्प हो जाती है इसको समझना, क्योंकि जब हम संख्या की बात करते हैं, एक पुलिसकर्मी की मौत हुई, एक जो दरोगा था वो घायल हुआ, तो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब हम उस परिवार के भीतर जाकर उस परिवार के सिहरन को सुनते हैं तो ये चीजें बहुत बड़ी नजर आती हैं। मामला आगरा का है जो आप बता रही हैं, जिस भाई की आप बात कर रही हैं देवेंद्र, वो मामला आगरा का है। वो जब पुलिस में भर्ती हुआ था उसके घर पे मिठाई बांटी गई थी। आपको बता दें उसकी एक बहन है जिसकी मई में शादी भी होनी थी, साथ ही उसकी दो बेटियां हैं, एक 3 साल की है तो एक 4 माह की है। उसके साथ ही बीवी का रो रो का बुरा हाल है, वो बदहवास पत्नी को उसके सवालों के जवाब कौन देगा, ये बिल्कुल भी
मानना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ हम शायद उस दर्द को समझ भी नहीं सकते हैं जो दर्द परिवार पर बीत रहा होगा। काविंद्र, लेकिन एक सवाल यह है कि बिक्रू कांड में हमने देखा था कि घर का भेदी लंका डाय वाली चीज थी, कुछ पुलिसकर्मी मिलीभगत थी उनकी, जिस वजह से ये पूरा कांड हुआ, क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी ये तो सवाल है, ये सवाल बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं कि कोई मुखबिर तो नहीं था। इसके साथ ही अन्य बड़े सवाल भी हैं कि क्या फिर से गाड़ी पलटी जाएगी, और यही गाड़ी पलट के अगर सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है तो क्या ये जो क्राइम रेट वाली जो बात है ये बेमानी से हो जाती है क्या? इसको समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर बार एक ही तरह की चीज है, हर बार माफिया अपना काम कर जाता है, सरकार इनकाउंटर करती है और पीठ थपथपा लेती है। लेकिन इसके पीछे की जो इतर की जो तस्वीरें हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी वो कौन सी चीज है, क्योंकि हमने जब बीती साल देखा था, बीती साल जब इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे के मामले में, विकास दुबे का जब इनकाउंटर कर दिया गया था उसके बाद कहा जा रहा था, बड़ी बड़ी चीजें कही जा रही थी, हेडलाइंस बड़ी बड़ी थी कि देखिए बदमाश थर थर कांपे, इस तरह की बातें की जा रही थी यूपी में। उसके बावजूद महज एक साल के अंदर इस तरह की दूसरी घटना, इतना जो उनके अंदर जो मनोबल है वो कहां से आता है, इतनी बड़ी घटना। और अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ, अभी बहुत समय है जुलाई आने में काविंद्र, और मनोबल कहां से बढ़ता है, यानी कहीं ना कहीं शय इन्हें दी जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल, शय है तभी इस वजह से ये इतने कुख्यात हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर। देखिए हम देख रहे हैं काविंद्र, लगातार हर कस्बों में हर जिलों में आबकारी जो टीम है वो भी छापेमारी करती है, ऐसे जो शराब के कारखाने चला रहे हैं या भट्टियां चला रहे हैं उन नष्ट भी किया जाता है, तो फिर ये कहां से आ जाती है? बिल्कुल, देखिए ये होता ये है, जैसे हम रेत माफिया की जब बात करते हैं और शराब माफिया की जब हम बात करते हैं, दरअसल रेत माफिया क्या है, रेत माफिया एक गैर कानूनी काम करते हैं, उत्खनन करते हैं, सरकार क्या प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन की नाक के नीचे होता है सब कुछ, लेकिन ये काम धड़ल्ले से चलता रहता है। शराब माफिया अपना काम करते रहते हैं पर पैसा जो है वो गुडलक के नाम पे पहुंचाया जाता रहता है अंडर द टेबल, तो तब तक तो चीजें सही रहती हैं, लेकिन जैसे ही चीज हल्की सी बिगड़ती है, ऊपर से ऑर्डर आ जाना या पैसा ना पहुंचना, तब होती है छापेमारी, तब होती है नोटिस चस्पा, और ऐसे में जब माफिया रिटेलिएट करते हैं, जब माफिया काउंटर करते हैं, वहां से चीजें जो है बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब चीजें बिगड़ती हैं तब सरकार की नाक में दम होता है, तब सरकार को पता लगता है कि कहां दरअसल चूक हो रही थी। लेकिन इन चीजों पर जब से वार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जड़ों में है, ये ऊपर ऊपर नहीं है, केवल विकास दुबे का मामला, क्योंकि घटना हो गई इसलिए हम विकास दुबे की बात करते रहे, इसलिए हम समझ पाए कि इतने बड़े माफिया ने जन्म ले लिया है, आपराधिक रिकॉर्ड था बिल्कुल, इतना से, बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था बिल्कुल, पुलिस थाने में घुसकर और मार देना। जब विकास दुबे का मामला हुआ उसके बाद जांच की गई तो पता लग रहा है कि 2000 मंत्री को भी मार चुके हैं, उसके बाद कितनी ही जरा गोलियां चला चुके हैं, कितने बड़े बड़े वो कांड कर चुके हैं, ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अभी जो मामला हुआ उसमें भी चार्जशीट थी, तो ऐसे ही जने कितने ही अपराधी हैं जो बेल पर बाहर हैं, जो अपने आप को विकास दुबे बनाने की कवायद कर रहे होंगे। बिल्कुल, विकास दुबे को तो हीरो मान लिया है इन लोगों ने, विकास दुबे को एक पोस्टर बॉय समझ लिया है कि उन्होंने ये कांड किया, इतना बड़ा चेहरा बने, हालांकि मौत तो हुई, अंजाम वही होना है, अंजाम इससे बुरा ही हो सकता है, आतंक का अंत हमेशा है काविंद्र। और दूसरी बात ये है कि इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि सरकार तो कह रही है कि हमने प्रशासन को पूरा छूट दी हुई है कि आप करिए सख्ती से कार्रवाई करिए, लेकिन प्रशासन कार्रवाई कहाँ कर रहा है? देखिए व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप एंटी रोमियो स्क्वायर चलाते हैं, उसके साथ साथ आप अभियान चलाते हैं, तमाम तरीके की हत्याएं रोजाना हो रही हैं, लूट लगातार हो रही है, डकैती हो रही है, इंसान कहाँ जाए, किसके पास अपनी शिकायत करने जाए? कई बार शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। पुलिस वाले जब मरे 2020 में, जब वो शहीद हुए, जब उनकी हत्या कर दी गई, देश में गम का माहौल था कि अब पुलिसकर्मियों को इस तरह से मार दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि उन्हीं पुलिसकर्मी में एक पुलिसकर्मी ऐसा भी था जिसने ये सब किया, जिसके कहने पर सारी चीजें हुई, मुखबिरी की जो बातें निकल कर सामने। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, जैसे कि आपने अभी बात करी, इसमें आपको एक चीज और ऐड कर देनी चाहिए यहाँ पर कि मुखबिरी जो है पुलिस के अंदर जो सिपाही होते हैं बड़े लेवल के अधिकारी भी हो सकते हैं, ये लोग जिस तरीके से सांठगांठ करते हैं, जिस तरीके से इनका जो काला पूरा व्यापार है वो चलता है, उसके बाद जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, निकल कर सामने आता है, चिन्हित होते हैं, जेल जाते हैं। लेकिन देखिए जैसा कि अभी आपने क्राइम को लेकर कहा, क्राइम को रोक पाना, जैसे कि बिहार के पूर्व डीजीपी ने एक बार कहा था कि क्राइम को तत्काल रूप से रोक पाना, खत्म कर पाना ये नामुमकिन सी चीज है, आतंकवाद को तत्काल रूप से खत्म कर पाना ये नामुमकिन सी चीज है, लेकिन चिन्हित अगर हम कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति जो है वो हिस्ट्री शीटर है, इसको पकड़कर किस तरीके से हम इसको आगे जो है अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। आप हिस्ट्री शीटर को खुलेआम छोड़ देंगे तो वो एक बड़ा विस्फोट है। इसके साथ ही आप बाद में क्या करेंगे, जैसे सरकार ने भी, योगी सरकार ने मुआवजे की बात कर दी, हर बार की तरह यही होता है, मौत होती है मुआवजा होता है, ये तो जैसे कि एक चलन सा बन गया है। अब मुआवजे से दुनिया की, ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं मुझे लगती जो मरी हुई जान है उसमें ताकत डाल देगी, उसको दोबारा जिंदा कर देगी। तो ऐसी जो चीजें हैं, सरकार बाद में अपना पल्ला कैसे झाड़ती है, मुआवजा दे देती है, क्या करती है, इनकाउंटर कर देती है, वाहवाही और लूट लेती है, दरअसल से फायदा ही हो जाता है सरकार को, काजल वाहवाही तो लूट लेती है और साथ ही साथ हेडलाइंस
बड़े बड़े चैनल्स में बन जाती है। काविंद्र, एक और चीज कि अभी कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आई थी जहां पर जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। वही जहरीली शराब ये लोग बना रहे थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस का वो सिपाही गया जो कि पूरी तरह से ईमानदार था, इसलिए वहां गया था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन उसे मारा गया, पीटा गया, दारोगा को घायल कर दिया गया। बाकी टीम कहाँ थी, बाकी टीम क्यों नहीं गई, लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसी भी जानकारी मिली है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा है, शराब माफिया शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कमी जो नजर आती है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर कमी नजर आती है, क्योंकि हमारी जो ढांचा जो है, हमारा सिस्टम जो है, वो ऐसे काम करता है कि अगर संबंधित क्षेत्र में अगर कोई कांड हो रहा होता है या संबंधित क्षेत्र कोई शिकायत मिल रही होती है तो सबसे पहले वो जो चौकी होती है, जो एरिया में चौकी लग रही होती है, उसको वहां पर जाना होता है, उसको वहां पर जाने की ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं। तो चौकी वाले जब वहां पर जाते हैं, यही तो तस्वीरें हैं जिन पर हम काजोल बार बार बात कर रहे हैं, चौकी में 4, 5, 6, इससे ज्यादा कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, पुलिसकर्मी नहीं मिल पाएंगे। अगर वो लोग सीधे जाते हैं, नोटिस देते हैं, छापा मारते हैं, गिरफ्तारी करने जाते हैं, उन पे ऊपर जो हमले होते हैं वो आजकल बड़े आम हो गए हैं। तो या तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाए, व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाए, जहां पर जो कोतवाली में जो लोग बैठे हैं, कोतवाली थाना चौकी तीनों जो टुकड़ियां हैं वो एक साथ जाएं, पूरे अमले के साथ जाएं, पूरे कुनबे के साथ जाएं। लेकिन इसमें समस्या कहां जाती है, समस्या वहां जाती है। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, सिस्टम में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिस्टम में बदलाव होगा, चीजें अपने आप बेहतर हो सकती हैं। ऐसे कांड नहीं होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ऐसे में अब कुछ हजार पुलिसकर्मी उनके ऊपर है, चीजें कर पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा फेलियर तो यही नजर आता है कि पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन आम जनता कैसे भरोसा कर पाएगी, आम जनता शांति से कैसे सो पाएगी जब उसे ये मालूम लग जाए कि जो दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए है, जो उनके यहाँ पर वॉचमैन के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर ही सुरक्षा का जो सवाल है वो खड़ा हो जाए। उनकी सुरक्षा कौन देगा? यहाँ पर देखिए पुलिस वालों की जो फैमिलीज हैं उनके साथ भी हमें होना चाहिए, यहाँ पर उनके साथ भी सिंपैथी की बहुत जरूरत है कि पुलिस वाला जो 24 घंटे की जिसकी ड्यूटी होती है, फिक्स ड्यूटी नहीं होती है काजोल, जैसे हमारी फिक्स ड्यूटीज है, कोरोना काल में हमने देखा है कितने कितने घंटे उन्हें छुट्टी नहीं मिली, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं महीनों से। बिल्कुल, कोरोना वॉरियर बना देकर उनको अवार्ड दे देना, इससे सम्मान नहीं चाहिए उनको, उनको सम्मान चाहिए कि उनकी भी सुरक्षा की जाए। हमारी सुरक्षा वो कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? इस तरीके की अगर हरकतें लगातार होती रही तो आप उम्मीद रखिए कि आगे चलकर पुलिस में भर्ती होने से पहले भी परिवार डरेंगे, लोग डरेंगे, वो मां डरेगी, वो बाप डरेगा जो आज की तारीख में बेबस है, जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना बेटा खोया है, जो बाप बेबस है, जो मां लाचार है, वो जरूर डरने लगेंगे। और अगर ऐसा होता है तो व्यवस्था चौपट होने में समय बहुत कम लगेगा। और इस तरह से काविंद्र जो शराब माफिया है उनको बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि एट द एंड क्या होगा, मार दिया जाएगा उन्हें, उनके और ऐसे विकास दुबे या ऐसा कहें कि वो मोती नाम है उस माफिया का, वो और पैदा हो जाएंगे। तो सवाल यही है और जवाब अभी आने बाकी हैं। अब देखते हैं कि जैसे जैसे परतें खुलती हैं तो क्या क्या चीजें और निकल कर आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।